अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान में 17 सितंबर से अब तक निराकृत सभी राजस्व प्रकरण अनिवार्य रूप से दर्ज करें। इसे विभागीय पोर्टल के साथ साथ जन सेवा अभियान के पोर्टल भी दर्ज कराएं। नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के भी सभी निराकृत प्रकरण अनिवार्य रूप से दर्ज करें। सभी राजस्व अधिकारी हर माह का भ्रमण कार्यक्रम और टूर डायरी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। अपर कलेक्टर एक साल में राजस्व अधिकारियों के टूर डायरी के संबंध में प्रतिवेदन दे। टूर डायरी प्रस्तुत न करने वाले राजस्व अधिकारियों पर कार्यवाही की जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि राजस्व अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके कानून और व्यवस्था की निगरानी करें, साथ ही स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों तथा नल जल योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण करें। SDM हर माह इसकी समीक्षा कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अविवादित बंटवारा और फौती नामांतरण के प्रकरण तत्परता से निराकृत करे। कोरोना संकट के कारण स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र पर बनाने के लिए शिविर नहीं लगे हैं। आगामी 10 दिवसों में स्कूलों में शिविर लगाकर पात्र विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र जारी कराएं। जनसेवा अभियान में भी इसे दर्ज करें। शहरी क्षेत्र में राजस्व अधिकारी धारणाधिकार के प्रकरण तथा ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय भूमि के में पट्टे के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में CM राइज स्कूल शामिल है। इन स्कूलों का भी SDM निरीक्षण कर यहां की व्यवस्थाएं बेहतर कराएं। ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न के वितरण तथा खनिज विभाग के कार्यों की भी सतत निगरानी करें। बैठक में कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सभी SDM मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की समीक्षा करके सभी विभागों के आवेदन पत्रों का निराकरण एवं ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित करें। राजस्व प्रकरणों का 100% निराकरण ऑनलाइन दर्ज कराएं। CM हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों के निराकरण पर भी सभी अधिकारी विशेष ध्यान दें। बैठक में अपर कलेक्टर विकास स्वप्निल वानखेड़े, अपर कलेक्टर सैलेन सिंह, सभी SDM, डिप्टी कलेक्टर संजीव पांडे, SLR गोविंद सोनी तथा अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।